तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं। आप लोगों के यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागतम। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप लोगों का आधार कार्ड डैमेज हो गया है, या फिर आप लोगों का आधार कार्ड गुम हो गया है, या फिर आप लोगों ने अपने आधार कार्ड में कोई करेक्शन किया है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम, फादर नेम, कोई भी करेक्शन किया है, या फिर बायोमेट्रिक अपडेट किया है, तो आप लोगों को न्यू आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगा। तो आप लोग किस तरह से न्यू पीवीसी आधार कार्ड को ऑर्डर करेंगे वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और मैं इस वीडियो में दो प्रोसेस दिखाऊंगा पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करने का। फर्स्ट वाला प्रोसेस होगा जिन लोगों का आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर नहीं लिंक है वो लोग किस तरह से पीवीसी आधार कार्ड को ऑर्डर करेंगे। और सेकेंड प्रोसेस होगा जिन लोगों का आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वो लोग किस तरह से पीवीसी आधार कार्ड को ऑर्डर करेंगे। तो इसलिए अगर आप लोगों के आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो तब भी आप लोगों को चिंतित होने की कोई बात नहीं, आप लोग बहुत ही आसानी से पीवीसी आधार कार्ड को ऑर्डर कर पाएंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं, अगर आप लोगों के आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो आप लोग किस तरह से पीवीसी आधार कार्ड को ऑर्डर करेंगे। तो इस प्रोसेस को आप लोगों के लैपटॉप में या फिर मोबाइल किसी भी डिवाइस में ही फॉलो कर सकते हैं, दोनों डिवाइस में ही प्रोसेस सेम है। तो सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। और गूगल क्रोम को ओपन कर लेने के बाद सिंपल से सर्च बार में आके टाइप करेंगे myaadhar.uidi.gov.in। तो इस वेबसाइट का लिंक आप लोगों के सुविधा के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग सिंपल से फर्स्ट वाले वेबसाइट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस वेबसाइट में एंटर कर जाने के बाद आप लोग सिंपल से स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन देख पाएंगे ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड। तो सिंपल से इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोगों के आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो आप लोग क्या करेंगे देखिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों का जो आधार कार्ड का 12 डिजिट आधार नंबर है उस आधार नंबर को यहाँ पर एंटर कर देंगे। और अगर आप लोगों के पास आधार नंबर नहीं है तो इनरोलमेंट आईडी को भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल से आधार नंबर को एंटर कर रहा हूँ एंड आधार नंबर को एंटर करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चर शो हो रहा है उस कैप्चर को यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो आधार नंबर एंड कैप्चर को एंटर कर देने के बाद आप लोग सिंपल से यहाँ पर जो मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड का ऑप्शन देख पा रहे होंगे इस बॉक्स में टिक कर देंगे। एंड तो इस बॉक्स को टिक कर देने के बाद आप लोगों के पास जो भी मोबाइल नंबर अवेलेबल होगा उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर कर देंगे। यहाँ पर आप लोग एक बार ध्यान रखना कि जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर रहे हैं मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए क्योंकि उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो मोबाइल को एंटर कर देने के बाद आप लोग सिंपल से सेंड ओटीपी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो सेंड ओटीपी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों ने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर किया होगा उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को सिंपल से यहाँ पर एंटर कर देंगे। ओटीपी को एंटर कर देने के बाद आप लोग सिंपल से इस बॉक्स को टिक कर देंगे। तो इस बॉक्स को टिक करते ही आप लोगों के सामने टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि आप लोग जो ये पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर कर रहे हैं इसके लिए आप लोगों को 50 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा और ये जो आधार कार्ड है ये आधार कार्ड आप लोगों के रजिस्टर्ड एड्रेस में ही सेंड किया जाएगा स्पीड पोस्ट के मदद से। मतलब आप लोगों के आधार कार्ड में जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस में ही ये आधार कार्ड सेंड किया जाएगा। तो आप लोग सिंपल से इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे एंड क्लोज कर देने के बाद आप लोग सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आप लोग सिंपल से ओके के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड ओके के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप लोग सिंपल से इस बॉक्स को टिक कर देंगे एंड इस बॉक्स को टिक कर देने के बाद मेक ए पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आप लोगों के सामने बहुत सारा पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग अपने मर्जी के अनुसार किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके पेमेंट कर पाएंगे। तो आप लोग जब सक्सेसफुली पेमेंट कर देंगे, सक्सेसफुली पेमेंट कर देने के 7 डेज से लेकर 15 डेज के अंदर आप लोगों के आधार कार्ड में जो भी एड्रेस दिया हुआ रहेगा उस एड्रेस में स्पीड पोस्ट के मदद से आप लोगों का पीवीसी आधार कार्ड सेंड कर दिया जाएगा। और आप लोग किस तरह से पीवीसी आधार कार्ड का स्टेटस चेक करेंगे वो मैं इस वीडियो के एंड में बताया है, इसलिए आप लोग चाहे तो इस पार्ट को स्किप करके एंड में जाके देख सकते हैं कि किस तरह से पीवीसी आधार कार्ड का स्टेटस आप लोग चेक करेंगे। तो आप बात करते हैं, अगर आप लोगों के आधार कार्ड के साथ आप लोगों का मोबाइल नंबर लिंक है तो आप लोग किस तरह से पीवीसी आधार कार्ड को ऑर्डर करेंगे देखिए। तो उसके लिए आप लोग सिंपल से myaadhar.uidi.gov.in इस वेबसाइट में चले आएंगे। मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो इस वेबसाइट में चले आने के बाद आप लोग सिंपल से यहाँ पर जो लॉगिन का ऑप्शन देख पा रहे होंगे सिंपल इस लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर आप लोगों का जो आधार कार्ड का नंबर है उस आधार नंबर को एंटर करेंगे एंड उसके बाद इस कैप्चर कोड को यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो इस दोनों ऑप्शन को फिल कर लेने के बाद आप लोग सिंपल से सेंड ओटीपी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे।
तो सेंड ओटीपी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों के आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। तो आप लोग सिंपल से उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो ओटीपी को एंटर करने के बाद लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप लोग सक्सेसफुली लॉगिन कर जाएंगे। तो लॉगिन कर जाने के बाद आप लोग सिंपल से यहाँ पर जो ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड का ऑप्शन देख पा रहे होंगे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग सिंपल से थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जाएंगे। तो स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जाने के बाद आप लोग यहाँ पर आप लोगों का इमेज एंड डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड एड्रेस देख पाएंगे। तो उसके बाद आप लोग सिंपल से नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग इस बॉक्स को टिक कर देंगे और उसके बाद मेक पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड उसके बाद आप लोगों के सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने का। तो आप लोग अपने मर्जी के अनुसार किसी भी मेथड को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल से यूपीआई के थ्रू पेमेंट करूँगा इसलिए यूपीआई के ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड यूपीआई को सिलेक्ट करने के बाद मैं फ़ोनपे के मदद से करूँगा इसलिए फ़ोनपे को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो फ़ोनपे को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अपने यूपीआई आईडी को एंटर कर दूँगा। तो यूपीआई आईडी को एंटर कर देने के बाद आप लोग वेरीफाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड वेरीफाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आप लोगों का नेम शो हो रहा होगा और उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों के यूपीआई ऐप में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग सिंपल से पे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके पेमेंट को कंफर्म कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर शो कर रहा है ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस। तो आप लोग सिंपल से यहाँ से ये जो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट करके लिखा हुआ आ रहा होगा तो आप लोग सिंपल से इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको डाउनलोड कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लेने के बाद आप लोग सिंपल से इस वेबसाइट से लॉग आउट हो जाएंगे। तो लॉग आउट होने के लिए आप लोग इस लोगो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पर एक लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग लॉग आउट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके लॉग आउट कर जाएंगे। तो लॉग आउट कर जाने के बाद मैंने जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड किया है वो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है ये असल में एक पेमेंट रिसिप है। तो आप लोग इस पेमेंट रिसिप का एक प्रिंट आउट निकाल के आप लोगों के पास रख देंगे और इस पेमेंट रिसिप में आप लोगों को एक SRN नंबर मिलेगा। इस SRN नंबर की मदद से ही आप लोगों का PVC आधार कार्ड के स्टेटस को चेक कर पाएंगे। और आप लोग यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि ये जो ट्रांजेक्शन स्टेटस है ये ट्रांजेक्शन स्टेटस अगर कम्प्लीट दिखाता है यहाँ पर मतलब आप लोगों का पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। और सक्सेसफुली पेमेंट हो जाने के 7 डेज से लेकर 15 डेज के अंदर आप लोगों के रजिस्टर एड्रेस में PVC आधार कार्ड स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दिया जाता है। तो आप लोग किस तरह से PVC आधार कार्ड का स्टेटस चेक करेंगे देखिए। तो PVC आधार कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ जो SRN नंबर मिला है इस SRN नंबर को एक जगह पर नोट करके रख देंगे। तो आप सब लोगों का सुविधा के लिए मैं इस प्रोसेस को अपने मोबाइल में करके दिखा देता हूँ कि आप लोग किस तरह से मोबाइल से स्टेटस को चेक करेंगे। तो मोबाइल से PVC आधार कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए आप लोग सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके myaadhar.uidi.gov.in इस वेबसाइट में चले आएंगे और इस वेबसाइट में चले आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जाएंगे और यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन चेक आधार PVC कार्ड इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। और इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि SRN नंबर को एक जगह पर नोट करके रखने के लिए तो आप लोग सिंपल SRN नंबर को यहाँ पर एंटर कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चर शो रहा है इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल कर देंगे और इस दोनों ऑप्शन को फिल कर देने के बाद सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग का SRN नंबर लिखा हुआ है और SRN नंबर के नीचे में ही लिखा रहेगा ऑर्डर डेट मतलब जिस डेट में आप लोग PVC आधार कार्ड को ऑर्डर किया है और ऑर्डर डेट के नीचे में ही करंट स्टेटस है। करंट स्टेटस में प्रिंट इन प्रोसेस दिखा रहा है और जब हमारा आधार कार्ड प्रिंट हो जाएगा आधार कार्ड प्रिंट हो जाने के बाद यहाँ पर जो ERV बिल नंबर करके लिखा हुआ है यहाँ पर एक AWB नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। इस AWB नंबर के मदद से आप लोग इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप लोगों का जो PVC आधार कार्ड का स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे और उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ डिस्पैच भी दिखा देगा। तो आप लोग किस तरह से AWB नंबर के मदद से स्टेटस को चेक करेंगे इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से उस प्रोसेस का वीडियो भी मैं अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा। इसके लिए आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करने के लिए मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।